टाइटैनिक वाला पोज बना दे हमारी क्यों बहुत सिंपल है वो लास्ट वाला डायलॉग हमारा बीटीएस जैसे उसको आना हमारा है ऐसी हमारे बजट के हिसाब से हमारे बाइक के पीछे था तो ये हमारा जो लास्ट वाला पोस्ट था शुक्रिया चलो बस बस मंदिर बंद करो क्या बोलना है मैडम फिल्म आज रिलीज हो गई है टाइम का बहुत ही रिस्पॉन्स मिल रहा है तो आप बताइए कि कैसा देखिए आप फिल्म को जी बिल्कुल और आज दूसरा दिन है और लोग बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं फिल्म की तारीफ हो रही है एक दिल वाली बात थी फिल्म में और लोग भी दिल से लिख रहे हैं और यस हमारी रॉकस्टार की बहुत तारीफ हो रही है शाहाना की सबकी हो रही है एक्चुअली जितने भी हमारे यू नो एक्टर्स हैं फिल्म में सबकी तारीफ हो रही है इंक्लूडिंग मेरी उस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है लोग बहुत खुश है इस नए अवतार में कपिल शर्मा को देख के और जिनको भी जो भी किसी भी वजह से जो भी डाउट हो या सरप्राइज हो कि वो एक्टिंग कर सकते हैं सीरियस रोल में भी वो सारा मिट चुका है अब मेरे ख्याल से अब तो उम्मीद करेंगे लोग कि कपिल जी और इस तरह का काम करें एंड हमारी फिल्म अच्छा कर रही है बिकॉज लोग देखने जा रहे हैं कहीं उनके दिल को छू रही है तो हम चाह रहे हैं कि लोग जाके और देखें और अच्छा ये लगता है कि हर किसी का काम सराया जा रहा है जैसे डायरेक्टर हो हमारे सिनेमाटोग्राफर हो जो पूरी टीम है सबका काम अप्रिशिएट किया जा रहा है उसकी एक अच्छी फिल्म जब बनती है तो फिर सबका काम बराबरी में अप्रिशिएट किया जाता है जी सर बिल्कुल सबसे पहले तो उनका बहुत धन्यवाद वो आए इस फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए और दूसरी बात ये है कि इस फिल्म को करने से पहले मुझे उनकी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था क्योंकि मैं बड़ा कम थोड़ा टैक्स हेवी हूँ मेरे ऐप्स बहुत कम हैं जो मैं ऑर्डर करूँ बाहर से लेकिन ये फिल्म करने के बाद उस कहानी को जीने के बाद नो एक बड़ी रिस्पेक्ट बढ़ गई उनके लिए क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं फिर भी अपनी लाइफ में ईजी हो चुके हैं हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा हमारे पास है लेकिन ये जो लोग यू नो दिन रात मेहनत करते हैं कि आपका दो मिनट खाना ना लेट हो जाए उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं सो आप अगर फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा बात सिर्फ काम की नहीं है वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं किस तरीके से अपने परिवार को पाल रहे हैं सो वो एक बड़ी अच्छी टचिंग स्टोरी थी इसको करने के पीछे रीज़न भी यही था सो देखते हैं लोग प्यार कर रहे हैं इज्जत मिल रही है तारीफ तो बड़े सालों से मिल रही थी तो ये किरदार को निभाने के बाद ना थोड़ी इज्जत मिल रही मैंने आपको फ़ोन किया था सो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम उनका थोड़ा वक्त निकाल सके उनके बिजी शेड्यूल में से कि वो आके हमारे साथ ये फिल्म देख सके हम उनका फीडबैक ले सके फिल्म उनके बारे में है और उनके जैसे बहुत सारे लोगों के बारे में लेकिन अच्छा लगेगा जान के उनको कैसी लगी फिल्म और यही है जैसे कपिल ने बोला कि आई थिंक हम लोग बहुत थैंकफुल है ग्रेटफुल है यहाँ पे डिलीवरी बॉयज हो जो भी हो जो आपके आसपास है जो आपकी ज़िंदगी को एक तरह से आसान बना रहे हैं अपनी ज़िंदगी को और कॉम्प्लिकेट करके तो बहुत ग्रेटफुल एक फीलिंग महसूस होता है उनके लिए और आज ये मौका मिला है एक तरह से दूसरा एक पहलू देखने का उनका इंटरेक्ट करने का उनसे जी
तो ऐसा होता ही है अक्सर, यू नो, कभी भी आप कुछ अलग करते हो तो फिर लोगों को लगता है अच्छा ये कर सकता है इसको, तो हाँ। तो सडनली ट्रेलर आने के बाद ना बड़ी सारी सीरियस फिल्में आनी शुरू हो गई, तो मैंने कहा मैं इतना भी सीरियस नहीं रहना चाहता। ये तो क्या दिल को छुई एक चीज़ की, नहीं यार ये फिल्म अच्छी है, उसको करना चाहिए, ऐसी कहानियाँ बनती बहुत कम है। तो एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि हम लोग इस ऐसे सिनेमा को सपोर्ट करना चाहते हैं। सो ऐसा नहीं कि अब मैं सारी फिल्में सीरियस ही करूँगा, हाँ जो दिल को अच्छी लगेगी, वो चाहे कॉमेडी भी हो सकती है, सीरियस भी हो सकती है। तो हाँ अगेन कि जो दिल को लगेगा कि ये करनी चाहिए, ज़रूर करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।